दस मिनट में आपको अपनी बात कहनी है। मुझे बोलने का अवसर दिया है माननीय सभापति महोदय। मेरा सौभाग्य है कि मुझे मेरे जीवन में पहली बार इस लोकतंत्र के मंदिर में बजट पर अपनी बात रखने का आपने मौका दिया। मैं इस बात के लिए मेरी विधानसभा सागवाड़ा और वागड़ की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे भारी बहुमत से जीताकर अपने क्षेत्र के चहुमुखी विकास करने की बात रखी, प्रतिनिधित्व करने यहां भेजा। माननीय सभापति महोदय, माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री महोदया दिया कुमारी जी का भी मैं धन्यवाद देता हूं कि इस बजट में 2024 में पूरे राजस्थान के चहुमुखी विकास के साथ साथ वागड़ का भी पूरा ध्यान रखा है। राजस्थान में पिछले समय भर्तियों के नाम पर जो अनियमितताएं हुई है वो बात कोई छिपी हुई नहीं है। युवाओं के साथ अन्याय किया गया, उनके सपनों को पेपर लीक के भेंट चढ़ा दिया गया। पेपर सब्जी मंडी में जिस तरह सब्जी खरीदने जाते हैं ऐसे ही पेपर की बिक्री हुई, जिससे अभ्यर्थियों को कैरियर की बलि चढ़ा दी गई। युवा में निराशा का माहौल बना दिया। आज के बजट से युवाओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है एवं 1,00,000 भर्तियों का रेड मैप तैयार कर नई उम्मीदें बना दी हैं। दूसरी ओर पेपर लीक में लिप्त लोगों में दहशत का माहौल बना दिया है, जो पूर्ववर्ती सरकार में निडर होकर पेपर बेचा करते थे वो अब स्पेशल टास्क फोर्स से बचते छिपते हुए नजर आ रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं इस बजट से गरीब युवाओं, अन्नदाता महिलाओं को संबल देने का प्रयास किया गया है, जो आने वाले दिनों में उनको स्वाभिमान से जीने का अवसर देगा। बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाई, ऐसी सोच एक सरकारी बेटा ही सोच समझ सकता है, जो माता पिता के लिए नई उम्मीद लेकर के आया है। पिछली सरकार ने मेरे वागड़ में जातियों को लड़ाने एवं काकरी डूंगरी जैसा दहशत का माहौल बना दिया, जिसमें समाज में एक वैमनस्य बढ़ाया और मेरे आदिवासी बच्चों को मुकदमे दर्ज कराकर 1201 बच्चों पर मुकदमे दर्ज हुए, वो आज न्याय की भीख मांग रहे हैं। इनके जीवन को बर्बाद कर दिया। माननीय सभापति महोदय, इस बजट से मेरे वागड़ को सोम कमलांबा डैम से सिंचाई एवं पेयजल हेतु नहर का पानी मिला, 24 घंटे बिजली हेतु 220 केवी जीएसएस मिला, इसके अलावा कई सौगातें मिली है। ऐसा बजट विजनरी व्यक्ति जो सोच सकता है, जो विकसित भारत के साथ साथ विकसित राजस्थान को बनाने का सपना देखता है। इसलिए मोदी जी कहते हैं यही समय है, सही समय है। इसी पर शायर सुखबीर सिंह ने कहा है कि इस उम्मीद पर तो काट ली है मुश्किलें हमने, अब इसके बाद तो ये शायद आसानी में रहता हो। इस सरकार ने बजट के माध्यम से हमारे क्षेत्र वागड़ में आदिवासियों की योजनाओं के लिए आदिवासियों को भी बहुत सारा दिया है। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी को एवं हमारे वित्त मंत्री जी को, जिन्होंने हमारे वागड़ को ध्यान में रखते हुए वहां पर जो विकास की जो बात कही है। और मैं समझता हूं आने वाले समय में भी आज का जो बजट है उसको देखा जाए तो आने वाले 5 सालों में ये बजट जो है आगे बढ़ करके हमारे वागड़ का, डूंगरपुर जिले का, सागवाड़ा विधानसभा का बहुत सारा आगे विकास होने वाला है। और वहाँ जो
किसानों के लिए जो बहुत बड़ी समस्या थी, पानी की समस्या थी, उस समस्या का इतिहास में पहली बार समाधान हुआ और वहाँ कैनाल से पानी देने का काम किया। इसको 130 करोड़ रुपये दिए हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ सदन के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर हम सब लोग बैठे हैं, हमारे यहाँ जितने भी सदस्य बैठे हैं, राजस्थान की जनता की पूरी नज़र है कि हमारे लिए कुछ करेंगे। मैं आप सब से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जो हमारे वहाँ बागड़ में विकास की और भी बहुत ही ज़रूरत है, मैं विधानसभा सागवाड़ा में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल खोलने के लिए मैं निवेदन करता हूं सदन को कि वहां 20 से 25,000 लोग, युवा लोग काम करें, जो बेरोजगार हैं, जो गुजरात के लिए जाते हैं, पलायन करते हैं, वो नहीं जा करके यहीं अपना गुजारा करें, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। आखिर में मैं, आप सबने मेरी बात को सुना और मुझे बात रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आप सबकी ओर से सागवाड़ा की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। श्रीमती इंदिरा, 5 मिनट